हाय फ्रेंड्स, सुनीता की रसोई में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए भुट्टे का नमकीन हलवा लेकर आई हूँ। अभी बरसात का सीजन चल रहा है और भुट्टा बहुत ज्यादा मार्केट में आ रहा है। आप इससे नमकीन हलवा बहुत टेस्टी बना सकते हैं। आइए मैं आपको इसकी सामग्री बता दूँ। भुट्टे का नमकीन हलवा बनाने की सामग्री है, हमने ये दो भुट्टे लिए हैं। मैंने स्वीट कॉर्न ली हूँ, आप देसी अगर पसंद है देसी भुट्टा तो वो भी ले सकते हैं। दो भुट्टे लिए हैं, इसको छीलना है, इसका छिलका हटा देंगे। देखिए हमने इसका छिलका उतार लिया है, इसी तरह इसका भी छिलका उतार लेंगे और इसके हम दाने निकाल लेंगे। देखिए हमने चाकू लिया है, चाकू की सहायता से इसके ऐसे दाने निकाल लेंगे। बहुत ही आसानी से दाने निकल जाते हैं, इसी तरह हम पूरे दाने इसके निकाल लेंगे दोनों भुट्टों के। देखिए हमने इस तरह से दाने निकाल लिए हैं और इसे मिक्सी में हल्का सा ग्राइंड कर लेंगे। देखिए मैंने ये बनाकर तैयार रखा है, बहुत ज्यादा चिकना नहीं करना है, हल्का सा मोटा रखना है। हमें नमकीन हलवा बनाने के लिए सामग्री चाहिए है। हमने दो मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, 3 से 4 हरी मिर्च। आप ये हरी मिर्च अगर आप पसंद नहीं करते हैं तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। हरा धनिया गार्निशिंग के लिए, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून नमक, आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 बड़ा चम्मच हमें ऑयल लगेगा। आप घी भी ले सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है घी में भी ये नमकीन हलवा। हमने ये कढ़ाई रख ली है, गैस ऑन कर लिया, 1 बड़ा चम्मच हम ऑयल डालेंगे। जब गर्म हो जाए तब जीरा डालना है। देखिए तेल गर्म हो गया है, जीरा डाल देते हैं और ये प्याज डाल देंगे। हरी मिर्च इसे हम अच्छे गुलाबी होते तक भून लेंगे। देखिए प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब हम इसमें हल्दी पाउडर और नमक डालेंगे। बहुत कम सामग्री में ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। अब हम इसमें ये जो पिसा हुआ पेस्ट है ये डाल देते हैं और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसे हम धीमी आंच में पकने देंगे। देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, हमने इसे चम्मच चला लिया है। अब हम ये जो जार में हमने ये पिसा था मटेरियल, उसको हमने उसमें पानी डाल के धो लिया है और यही पानी हम इसमें डाल देंगे ताकि मटेरियल वेस्ट ना हो। थोड़ा पानी डाल दीजिए और अब हम इसे 5 से 7 मिनट ढककर पकने देंगे और बीच बीच में चम्मच चलाते रहेंगे। देखिए हमने ढक्कन ढाल दिया है और आंच को धीमा रखेंगे और बीच बीच में चम्मच चलाते रहेंगे। देखिए 7 से 8 मिनट हो चुका है और ये नमकीन हलवा बनकर तैयार है। आप इसे कोई भी कढ़ाई में बना सकते हैं, जो एल्यूमिनियम की कढ़ाई होती है अगर आप उसमें बनाते हैं तो जल्दी जल्दी चम्मच चलाते रहिए, 1-2 मिनट 1-1.5 मिनट के अंतर पे, बहुत जल्दी ये चिपकने लगता है तली में। नहीं तो और जो नॉन स्टिक कढ़ाई है इसमें नहीं चिपकता है और बहुत कम तेल में इसमें बनकर तैयार हो जाता है। देखिए बनकर तैयार हो गया है, अब हम फ्लेम बंद कर देते हैं और ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे। देखिए भुट्टे का नमकीन हलवा बनकर तैयार है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अब हम इसे प्लेट में सर्व करेंगे। देखिए हमने निकाल लिया है प्लेट में, थोड़ा हरा धनिया और डाल देंगे और अगर आपको नींबू पसंद है तो आप थोड़ा नींबू ऊपर से निचोड़ लीजिए, बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। ऐसी आप भुट्टे का नमकीन हलवा बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।